हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एसएससी इन रेलवे एग्जाम्स पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल के 2020 के पेपर में पूछे गए हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आप हम अकेडमी के ऐप पर फॉलो भी कर लेंगे ताकि जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस होती है उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और याद रखेंगे दोस्ततों, कल मेरी स्पेशल क्लास होगी 8:30 PM, ठीक है ना? कल हमारी 3 बजे स्पेशल क्लास होगी, तो आप लोग इसमें जुड़ना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना? बात करते हैं दोस्तों इसके बाद, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम एसएससी इनक्रेव है। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि इसके आपको नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद की बात करते हैं, तो आप हमारे प्लस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, डेली लाइव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, डिफरेंट एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलता है, इन सभी का आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको अपना गोल एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करना है, फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, इन दीज ऑप्शंस यू कैन सेलेक्ट 12 मंथ और 24 मंथ, है ना? इसके बाद आपको ये कोड यूज करना है। इस कोड को यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। देन आप प्रोसीड टू पेपर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद आप अपन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। और याद रखेंगे, अगर आप 6, 12 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देन यू हैव ऑप्शन ऑफ नो कॉस्ट ईएमआई, जिसके तहत आप इसी अमाउंट को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। लाइक 12 मंथ को आप 450 पर मंथ में, 24 मंथ को आप 270 पर मंथ में पे कर सकते हैं, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में कुल 20 सवाल हैं और वही 40 to 45 मिनट का हमारा सेशन होगा। गुड मॉर्निंग चेतन जी, रवि जी, सचिन पाल जी, पूनम जी, अर्चना पांडे जी, वीडियो स्टेटस जी, बहुत बढ़िया, आभा जी, गीतांजलि जी, हैरी जी, कल्याण जी, सिंघिस किंग जी, तानिया जी, मौलिक प्रजापति जी, चलिए अब नवीन विश्वकर्मा जी, सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर, आज का पहला प्रश्न ये रहा, विच इज द रेयरेस्ट एलिमेंट? इसमें से कौन सा रेयरेस्ट एलिमेंट है, एस्टेटिन, रेडॉन, यूरेनियम या लिथियम? किसे रेयरेस्ट एलिमेंट कहा जाता है? गुड मॉर्निंग देवेंद्र जी, आरिफ अली जी, महेंद्र देवरा जी, सभी को गुड मॉर्निंग। इसमें से रेयरेस्ट एलिमेंट किसे कहा जाता है ये बताइए, ठीक है? करवा देंगे, चिंता नहीं कीजिए। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दें। चलिए तो बिल्कुल यहां पर दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर, याद रखिएगा, एस्टेटिन है, जिससे कि हम लोग रेयरेस्ट एलिमेंट कहते हैं। सबसे कम मात्रा में ये हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलती है। रेडॉन की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे कम मात्रा में, एटमॉस्फेयर मतलब नहीं ही मिलती है, जब आपका अर्थक्वेक आता है तब जाकर ये रेडॉन नामक गैस मिलती है, जो कि सबसे भारी इनर्ट गैस भी। और इसका यूज कहां पर होता है, कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में किसका यूज होता है, इस रेडॉन गैस का यूज किया जाता है। यूरेनियम की बात करते हैं तो दोस्तों इसका याद रखिएगा, पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। और लिथियम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी है, वो है हमारी लिथियम। तो ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से, इस चीज को आपको याद रखना है। यानी कि इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या है, दैट इज ऑप्शन वन, एस्टेटिन इज द करेक्ट आंसर। अगले मुद्दे पर चलते हैं, अगला मुद्दा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, When was National Stock Exchange of India established? कहा जा रहा है कि National Stock of Exchange of India, यानी जो NSE है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1991, 94, 93 और 92 में? जवाब दीजिएगा इसका।
हाँ, सबसे ज्यादा जो यूरेनियम मिलता है वो कजाकिस्तान में मिलता है, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। बहुत बढ़िया हैरी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जब बात करता है दोस्तों एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, इट्स हेडक्वार्टर इसकी स्थापना हुई थी इन 1992। और इसका जो शेयर इंडेक्स है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं निफ्टी। निफ्टी का मतलब क्या होता है, इसका पूरा मतलब होता है, याद रखिएगा नेशनल 50, है ना, क्या मतलब होता है इसका, नेशनल 50 निफ्टी का पूरा मतलब होता है। और याद रखिएगा निफ्टी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो निफ्टी एनएसई के अंदर जो दोस्तों जितने भी कंपनी लिस्टेड हैं उस कंपनी के टोटल एवरेज का, टोटल जो चौप की जो 50 कंपनियां हैं उसका उसकी उसका क्या करते हैं हम लोग, एवरेज निकालते हैं। जो टॉप की 50 कंपनीज होगी जिनका शेयर प्राइस सबसे ज्यादा होगा, उस टॉप 50 कंपनियों के शेयर प्राइस का एवरेज होता है क्या, निफ्टी, याद रखेंगे। दोस्तों हम लोग बात करते हैं 1992, इस 1992 में ही याद रखिएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट की भी शुरुआत हुई थी। कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। बात करते हैं दोस्तों 1992 में ही स्थापना हुई थी किसकी, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना हुई थी कहां पर, 1992। 1991 में क्या होता है तो याद रखिएगा दोस्तों 1991 में आपका एक रिफॉर्म आता है, हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है जिसको जाना जाता है एलपीजी के नाम से। इस एलपीजी में एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन है। इस एलपीजी को राव मनमोहन प्लान भी कहा जाता है, राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। क्लियर पॉइंट। 1993 ये वर्ष भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष जो पंचायती राज और जो आपकी जो नगर पालिकाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, किसके तहत, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस तथ्य को भी आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर पॉइंट यहां तक। किसी को इसमें कोई समस्या दिक्कत दुविधा है तो आप लोग बताएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर, अगले प्रश्न पर। और आपका अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हु वॉज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी के समय मुगल एम्परर कौन था ये आपको बताना है, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ जी, मुगल एम्परर कौन था जब बैटल ऑफ पलासी हुआ था तो। अच्छा, यहां पर अलग अलग बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे हैं। तानिया बिदुआ जी ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। याद रखिएगा ये जो बैटल ऑफ पलासी है, दिस बैटल इज फाउट इन 1757 इन बिटवीन होम ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच ये आपका लड़ा गया था। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एट दैट टाइम मुगल एम्परर कौन था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मुगल एम्परर दोस्तों उस समय जो था वो कौन था, आलमगीर द्वितीय हुआ करता था, याद रखिएगा। इसमें लॉर्ड क्लाइव जो है वो लीड कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना, और जीता। ये हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का पहला विजय था, पहला मतलब क्या कह सकते हैं इसे, पहला विक्ट्री था किसके, हमारे देश के अंदर किसका, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो इस चीज को भी आपने याद रखना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन वन, आलमगीर द्वितीय इज द राइट आंसर। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, इस चीज को भी आपने याद रखना है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हमारे पाचन तंत्र के किस हिस्से से स्रावित होता है, मुख से,
स्टमक यानी अमाशय से, उसके बाद है आपका लीवर से, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी हाथ से। उत्तर दीजिएगा सभी लोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज ऑल्सो कॉल्ड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिएटिक एसिड, है ना, इसे ही कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये सिक्रेट होता है किस पार्ट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किस हिस्से से, याद रखिएगा इट इज सिक्रेटेड बाय स्टमक। स्टमक के द्वारा दोस्तों एक जूस सिक्रेट होता है जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इसी में होता है HCl और पेप्सिन, रेनिन, वाटर, ये सारी चीज़ें किस में होती है, इसी में होती है। और गैस्ट्रिक जूस का जो मुख्य काम होता है वो प्रोटीन के पाचन को स्टार्ट करना। याद रखिए लीवर के द्वारा बाइल जूस का सिक्रेशन होता है जो कि क्या करता है, हमारे फैट की इमल्सिफिकेशन के लिए आवश्यक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, फूड का कंप्लीट डाइजेशन इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में, भोजन का सबसे ज़्यादा समय के लिए पाचन इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, डोडेनम, जुजेनम और इलियम। और दोस्तों याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा भी एक जूस सिक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइन जूस, है ना, इंटेस्टाइन जूस सिक्रेट होता है इसके द्वारा। इस चीज को भी आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? किसी को इसमें कोई समस्या? बिल्कुल, जो गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान होता है दैट इज 1.5, है ना। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर चलता है दोस्तों। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट इज द ऋग्वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी? रावी का दोस्तों ऋग्वैदिक नाम क्या था, विताशा, अस्किनी, शुतुद्री या पोरोसनी? बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सेशन को दोस्तों आप लोग लाइक भी कीजिए सभी लोग, और सेशन को आप लोग शेयर भी करते रहें जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो दोस्तों रावी जब हम लोग बात करते हैं, है ना, रंजीत सागर परियोजना इस रावी नदी पर है, इसका दोस्तों याद रखना है क्या नाम है, पुरुषनी, ऋग्वैदिक नाम। वितस्ता किसका, वितस्ता किसका नाम है बताइए, अस्किनी किसका नाम है, चेनाब का, ठीक है, अस्किनी चेनाब का है, वितस्ता किसका नाम है बताइए। हाँ जी बताएं, वेतस्ता इज द ओरिजिनल नेम ऑफ झेलम, एंड सुतुद्री, शुतुद्री किसका ओरिजिनल नेम है बताइए। सिंपल है यार, सुतुद्री का मतलब सतलज, है ना, बहुत बढ़िया। व्यास को विपाशा, है ना, सतलज, याद रखिएगा ये आपसे पूछा जाता है कई बार, वेतस्ता का झेलम, अस्किनी का चेनाब, शुतुद्री का सतलज और पुरुषनी का क्या रावी, ये सभी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, व्यास का विपाशा, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलें इसके आगे, यहां तक किसी को कोई समस्या, परेशानी, दुविधा है तो बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट मुद्दे पर चलता है दोस्तों, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन? इसमें कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म कौन सा है, कोल, ग्रेफाइट, चारकोल या लैंप ब्लैक बताइए। इसमें ठीक
ठीक है, इसका आप लोग जवाब इजी सा क्वेश्चन है। कार्बन के दो इलेक्ट्रोप हैं, आपको पता है, एक का नाम है डायमंड और दूसरे का नाम क्या है, ग्रेफाइट, है ना। तो यानी कि सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा इसका, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और जो दोस्तों लेड पेंसिल जो बने होते हैं, लेड पेंसिल वो इसी से बने हुए होते हैं, ग्रेफाइट से ही बने हुए होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट मुद्दे पर चलता है दोस्तों, कार्बन के बारे में एक चीज़ आप और भी याद रख लेंगे, कार्बन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड होते हैं हमारे नेचर में, और उनके कंपाउंड की संख्या लगभग 5 लाख होती है, याद रखिएगा। कोयले से याद रखेंगे कि कोल जो है 4 टाइप का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। सबसे बेहतरीन एंथ्रासाइट होता है, सबसे घटिया आपका पीट होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगले मुद्दे पर चलते हैं, अगला मुद्दा, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वेयर इज द बगलिहार डैम लोकेटेड। बगलिहार डैम जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। बगलिहार डैम कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो सभी लोग इसका उत्तर दें। जी आसान सा सवाल है, बगलिहार डैम जो है कहाँ पर है, ये आपका जम्मू कश्मीर में किस नदी पर है, ये भी याद रख लीजिएगा, चेनाब नदी पर, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा कौन सा डैम है, तो यहाँ पर है पौंग डैम। किस नदी पर है भैया, व्यास नदी पर है। गुजरात में कौन सा डैम है भाई साहब, उकाई डैम है। किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तेलंगाना में दोस्तों कौन सा डैम है, तो याद रखिएगा हुसैन सागर परियोजना। दूसरा कौन सा है दोस्तों, निजाम सागर परियोजना, है ना। ये सभी कहाँ पर है, दिस ऑल आर इन तेलंगाना। हुसैन सागर डैम, निजाम सागर डैम, ये सभी कहाँ पर है दोस्तों, ये सभी आपकी तेलंगाना में। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो, परेशानी हो तो बताएंगे। जम्मू कश्मीर में दोस्तों याद रखिएगा दाची गाम नेशनल पार्क भी है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, दुलहस्ती जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं, हैरी जी, दुलहस्ती परियोजना भी जम्मू कश्मीर में ही है। किश्तवाड़ परियोजना जम्मू कश्मीर में है। किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में है। ये सभी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, गुजरात में ही नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम भी है, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। ये सभी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, राजस्थान में याद रखिएगा चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर डैम है। ठीक है अमित जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलेंगे, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म ऑफ मेघालय। इसमें से कौन सा मेघालय का एक डांस फॉर्म है, ये आपको बताना है। सभी लोग इसका जवाब दीजिए, है ना। मेघालय का इसमें कौन सा एक डांस है, हाँ जी, चलिए। तो सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, चिराव बता रहे हैं। भाई साहब कितनी बार आपको बताया, चिराव जो है कहाँ का डांस है भाई, मिजोरम का डांस है। एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ चिराव के बारे में। ठीक है, जो मिजोरम में ही चापचरकुट फेस्टिवल भी है, यहीं पर आपका फामांगपुई नेशनल पार्क है, मर्लिन नेशनल पार्क है। रंगमा ये दोस्तों कहाँ का डांस है, इट इज डांस फॉर्म ऑफ नागालैंड, है ना। मेघालय की बात करता है दोस्तों, यहाँ का जो डांस फॉर्म है दैट इज लाहो, लाहो इज द डांस फॉर्म ऑफ मेघालय।
हमारा प्रश्न है आपसे, ये दलखाई, दलखाई डांस जो है ये किस स्टेट का है ये आप बताइए। दलखाई डांस जो है ये किस स्टेट का है आपको ये बताना है। नहीं भाई, ये तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है अमित जी। हैं, दलखाई डांस कहाँ का है ये आपको बताना है। उड़ीसा, वेरी गुड। सुभस्मिता सारंगी जी, बहुत बढ़िया। आई थिंक यू आर फ्रॉम उड़ीसा, है ना? आप उड़ीसा से ही हैं ऐसा मुझे लग रहा है। दलखाई जो है कहाँ का है, ये उड़ीसा का डांस है। और उड़ीसा में ही दोस्तों याद रखिएगा कौन सा नेशनल पार्क है, यहीं पर आपका भितरकनिका नेशनल पार्क है, यहीं पर आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर? उड़ीसा में। इस तथ्य को आपने याद रखना है, ठीक है। सतारिया डांस जो है असम का है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निषेध करता है या प्रतिषेध करता है, आप लोग बताइए। क्लियर है? कहाँ जनरल साइंस लिखा? अच्छा, उसमें जनरल साइंस लिखा है, उस पर तो नहीं लिखा है थंबनेल पे। कोई बात नहीं है, आप लोग इसका जवाब दें। और इसी तरह सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोग लाइक करें। ये सभी आर्टिकल पता है आप लोगों को। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 हर एक व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर को। आर्टिकल 24 ये प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को। और दोस्तों आर्टिकल 13 ये याद रखिएगा प्रोहिबिट करता है, ये मतलब क्या करता है, ये बेस है हमारे देश में किसका, जुडिशियल रिव्यू का। यानी ये आर्टिकल कहता है कि अगर हमारे देश के अंदर कोई भी कानून ऐसा बनता है जो कि कोई संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, और उस कानून को उतने हिस्से तक जहाँ तक वह उस कानून का उल्लंघन कर रहा है वहाँ तक उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, यानी कि उस उतने हिस्से से कानून को निरस्त कर सकती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो आर्टिकल 13 को बेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया भी कहा जाता है, इस तथ्य को भी याद रखेंगे। आर्टिकल 5 का संबंध दोस्तों किससे है, तो याद रखिएगा इसका संबंध है हमारे सिटीजनशिप से। इसमें ये बातें बताई गई है कि भारत के जो नागरिकता है, भारत की नागरिकता के बारे में, इसमें आर्टिकल 5 से जो आर्टिकल 11 है इसमें भारत की नागरिकता का प्रावधान है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। हमारा प्रश्न है आपसे कि जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने किस देश से अडॉप्ट किया, ये आपको बताना है, ठीक है। इस सवाल का सही उत्तर है, अच्छा आभा सिंह जी करवा देंगे, ऐसे मैंने करवाया हुआ है फिर भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अमेरिका, बहुत बढ़िया। कहां से लिया हमने? यूएसए से, अमेरिका से लिया, वेरी गुड। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड, किस वर्ष पहला समर ओलंपिक गेम जो हुआ हुआ था ये आपको बताना है। 1897, 1898, 1896, 1894, इसका आप लोग उत्तर दीजिए सभी लोग, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग इसका जवाब दीजिए। देखते हैं किनका किनका सही उत्तर आता है। तो ये दोस्तों सिंपल सा सवाल है, जब बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की, कई बार आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं, इसकी शुरुआत 1896 में हुई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक डे की अगर बात करी जाए तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 23rd of June, इसी दिन मनाते हैं ओलंपिक डे। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इट्स हेडक्वार्टर इज ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। एंड दोस्तों याद रखिएगा जो अब इसके जो हेड हैं उनका नाम क्या है? थॉमस बच।
थॉमस बच इज द हेड ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बात करेंगे इसके बाद हम लोग, तो 1897 इसमें दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी किसने, तो स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, है ना। 1894 में दोस्तों याद रखिएगा हमारे देश के अंदर एक बैंक की स्थापना हुई थी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर, लाहौर में। लेकिन वर्तमान में इसका दोस्तों हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है, यह है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। इसकी टैगलाइन है द बैंक, बैंक यू कैन बैंक अपॉन। ये पीएनबी की क्या है, पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। किसी को इसमें कोई परेशानी, समस्या, दुविधा है तो आप लोग बता सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों इसके बाद हम लोग अगले सवाल की, चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रीड ऑफ सिप, ठीक है ना। इसमें कौन सा ब्रीड जो है, एक सिप का ब्रीड है, ये आपको बताना है। फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं किनका किनका सही उत्तर है। सिप की कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है। हाँ जी, वो दिया था उन्होंने शिकागो में, रवि जी बहुत बढ़िया। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा सिप यानी भेड़ के बारे में पूछा जा रहा है, बकरी के बारे में नहीं, गॉट के बारे में नहीं पूछा जा रहा, यहां पर भेड़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बर्बरी ये भी क्या है, बकरी है। जमुनापारी ये भी क्या है, बकरी है। बीतल ये भी क्या है, गॉट है। लेकिन ये जो मचेरी है ना, ये आपका क्या है दोस्तों, एक ब्रीड है, किसका, सिप का एक ब्रीड है। यानी कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 3। सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो बकरी है ना, उसका नाम क्या है, जमुनापारी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका सी इज द राइट आंसर, सी जो है आपका करेक्ट उत्तर है, क्लियर है पॉइंट। चलिए बहुत बढ़िया, अगले मुद्दे पर चलता है दोस्तों। अगला मुद्दा, अगला सवाल, अगला प्रश्न, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कंटेंड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। बहुत अच्छा सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो लिबर्टी है, इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी, ये जो आइडियल लिए गए हैं, ये किस देश के संविधान से बोरो किए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जर्मनी से या फिर फ्रांस से। बहुत अच्छा सवाल है, इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा। जब दोस्तों प्रियम्बल की बात करते हैं ना, तो प्रियम्बल जो हमारे देश का बना, वो दोस्तों कैसे बना, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था, कहाँ पर दोस्तों, संविधान सभा के सामने, कब, 13th of December 1946 को, जिससे संविधान सभा ने 22nd of Jan 1947 को पारित किया। और वही वो दोस्तों जो प्रियम्बल है, एक्चुअली क्रक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे संविधान के निर्माताओं के क्या आइडियोलॉजीज हैं, वो निहित है किस में, हमारे प्रियम्बल में। और जो ये तीन वर्ड लिए गए थे दोस्तों, ये कहाँ से लिए गए थे, ये तो मतलब जो आपके ये जो आइडियाज लिए गए थे, ये कहाँ से, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस को हमने कहाँ से अडॉप्ट करा, हमने अडॉप्ट करा जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को ही कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हम लोग बात करते हैं कनाडा, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया, वी अडॉप्टेड फेडरल सिस्टम। एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या, हमने कॉपी किया कंकरेंट लिस्ट, वही लिस्ट जिस पर अभी बहुत ज़्यादा विवाद है, ठीक है। स्टेट कहता है जो एग्रीकल्चर पर कानून बनाने का अधिकार हमारा है, जबकि कंकरेंट लिस्ट में भी एग्रीकल्चर के कुछ सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको बहुत ही ज़रूरी है याद रखना, सेंटर स्टेट रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा विवाद होते रहते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे अनुसूची 7 में उसकी चर्चा करी गई है, जिसके अंदर 3 लिस्ट की बात करी गई है, यूनियन लिस्ट, विधायी संबंधों के अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर टोटल जो सब्जेक्ट हैं उसका 100 है संख्या, स्टेट लिस्ट के अंदर जो कुल सब्जेक्ट हैं उसकी संख्या 61 है, और आपका जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें जो टोटल सब्जेक्ट हैं उसकी संख्या कितनी, 52 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों इसके बाद अगले सवाल की, चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं, सेशन को इसी तरह आप लोग शेयर भी करते रहिए। अगले मुद्दे पर चलता है दोस्तों, अगला मुद्दा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट इज द पीएच ऑफ रेन वाटर, है ना, व्हाट इज पीएच ऑफ रेन वाटर ड्यूरिंग एसिड रेन, मोर देन 5.6, बिटवीन 6 to 8.5, इक्वल टू 5.6 और लेस देन 5.6, व्हाट इज द राइट आंसर, जवाब दीजिए इसका। रवि वर्गी जी, बहुत बढ़िया, वर्गी साहब बहुत शानदार, बेहतरीन। चलिए इसकी जब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले एसिड रेन का काउज क्या, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 एंड Na2 कहां से निकलता है, इंडस्ट्रीज के धुओं से, ठीक है। एसिड रेन किसका किसके लिए जिम्मेदार, स्टोन कैंसर, मार्बल कैंसर, है ना, इसके लिए जिम्मेदार है। और इसका पीएच मान दोस्तों कितना होता है, लेस देन 5.6 पीएच। पीएच जो है दोस्तों याद रखिएगा, इसकी खोज एसपी सोरेनसन ने करी है। रेन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, रेन की मात्रा को रेन गेज से मेजर किया जाता है। रेन से याद रखिएगा, रेन वाटर जो स्फेरिकल होता है, रेन वाटर, रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो जो स्फेरिकल होते हैं, दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। और वाटर से याद रखिएगा दोस्तों, नेशनल वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर, दैट इज इन रुड़की, रुड़की में है, याद रखिएगा इस चीज को भी। अगले मुद्दे की तरफ चलेंगे, इसके बाद अगला मुद्दा, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सुपर कंडक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय डैस, हु वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1913। कहा जा रहा है कि सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने करी, जिन्हें फिजिक्स के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, नॉबर्ट बंसन, जॉन डेडरिक वैन डर वाल्स, हैक कैमरलिन ओन्स या फिर गुस्ता करचॉफ्स, इसका सही उत्तर क्या है आपको यह बताना है। बिल्कुल बजरंग बली जी, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों इस सवाल की, तो याद रखिएगा सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस नहीं के बराबर हो, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं उसकी जिसकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा हो, है ना। यहाँ पर दोस्तों हम लोग जब बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी, इसकी खोज करने वाले कौन थे, हेके कैमरलिन ओन्स, यानी कि जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 3, HK ओन्स ने इसकी खोज करी थी, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया तानिया जी, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया आभा सिंह जी, सिंगिंग किंग जी, सोनू डाल्टनगंज जी, सद्दाम धारखंडी जी, नवीन जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। अगले मुद्दे पर चलता है दोस्तों, अगला मुद्दा, अगला सवाल, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस अंडर विच द इंडियन रूरल एग्रीड टू कीप ब्रिटिश फोर्सेस इन हिज टेरिटरी, यानी कि किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की शुरुआत करी, जिसके तहत जो भारतीय शासक थे उनको अपने क्षेत्र में ब्रिटिश फोर्सेस यानी कि ब्रिटिश बल को रखना मैंडेटरी हुआ करता था। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे। हाँ जी, देखते हैं किनका किनका सही उत्तर आता है इसमें। सेशन को आप लोग शेयर भी करते रहो सभी छात्र, और लाइक भी करते रहिए, बहुत बढ़िया। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि की शुरुआत करी थी लॉर्ड वेलेसली ने, सबसे कब करी थी, इन 1798 में, ठीक है, सबसे पहला जो किया था वो हैदराबाद के साथ किया था, है ना। और जब बात करता है दोस्तों, याद रखिएगा कॉर्नवालिस के बारे में, सबसे पहले तो इनका जो मकबरा है यानी कि इनका जो टॉम्ब है, ये कहां पर है, गाजीपुर में। दूसरी बात कॉर्नवालिस के बारे में याद रखिएगा, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया,
भारत के अंदर सिविल सर्विसेज का पिता, ये किसे कहा जाता है? ये कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। विलियम बैंटिक, क्षति प्रथा, ठगी प्रथा, इसे समाप्त करने वाले कौन थे? याद रखिएगा, विलियम बैंटिक। एंड ही वॉज ऑल्सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड लॉर्ड मेयो, इनके समय में 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था। और मायो कॉलेज, ये कहाँ पर है? अजमेर में है, याद रखिएगा। और दोस्तों, इस लॉर्ड मायो की हत्या अंडमान और निकोबार में एक दंडित व्यक्ति के द्वारा कर दी गई थी, इस चीज को भी आपने याद रखना है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई समस्या, परेशानी, दुविधा हो तो आप लोग बता सकते हैं। और सेशन को आप लोग साथ साथ शेयर भी करें, सभी लोग, है ना, लाइक भी करें। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मुद्दे पर मूव करते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच नोबेल लॉरिएट रोट द बुक इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ? विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, या इन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वीएस नायपॉल बोलेंगे, ओल्गा टोकारजग, पीटर हांडके, या फिर पैट्रिक मॉडियानो? इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा, क्या सही उत्तर है? उत्तर दस सभी लोग। चलिए देखते हैं। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है दैट इज वी एस नाइपॉल, है ना। और ओल्गा टोकारजुक, इनकी एक किताब है फ्लाइट, है ना, फ्लाइट, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, ओल्गा टोकारजुक को। इस चीज को भी आपने याद रखना है, ठीक है? हाँ बिल्कुल हैरी जी, जो फ्लाइट्स है, ये किताब जो है ओल्गा टोकारजुक ने लिखी है, पॉलिश ऑथर है, पोलैंड की हैं, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है ना। इसका लेकिन जो सही उत्तर है ना, वो है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, वी एस नायपॉल इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले मुद्दे पर चलते हैं। अगला मुद्दा, अगला सवाल, अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉन एज गैस जैंट, यानी कि गैस दानव, ये दोस्तों किस प्लैनेट को कहा जाता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, द सोरो ऑफ ड्रीम, ये आपके हैरी हैज जी, बिल्कुल आपने सही बोला है, ठीक है। ये पीटर हैंडके ने लिखी है, बहुत बढ़िया। इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या सही उत्तर है? गैस जैंट किस प्लैनेट को कहा जाता है? अर्थ को, मरकरी को, वीनस को, या फिर जुपिटर को? तो याद रखिएगा, इस सवाल का जो सही उत्तर है वीनस नहीं बल्कि जुपिटर, जुपिटर को गैस जेंट कहा जाता है, और सबसे बड़ा ग्रह भी यही है, जुपिटर ही है, याद रखिएगा। वीनस को हम लोग सबसे जो हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, वीनस को सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, वीनस को। भोर या सांझ का तारा भी किसे कहते हैं? वीनस को कहते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। सिस्टर प्लेनेट भी किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अर्थ को पता ही आप लोगों को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं, इस तथ्य को भी आपने याद रखना है। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन डी, जुपिटर बृहस्पति इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हु डेफिटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना। बिल्कुल ही आसान सा सवाल, बिल्कुल ही इजी सा सवाल है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। देखते हैं किनका किनका सही उत्तर है। हाँ जी,
चलिए आसान सा सवाल है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट कब लड़ा गया था भाई साहब? ये लड़ा गया था 1526 में, और ये बाबर और लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया था, लोदी को हरा दिया था, है ना? है ना? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 3, बाबर इज द राइट आंसर। और बाबर ने दोस्तों खुद ही अपने जीवनी लिखी थी, बाबरनामा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद बैटल ऑफ पानीपत के जस्ट बाद बाबर तीन और युद्ध लड़ता है। कौन सा? एक तो लड़ता है बैटल ऑफ खानवा, इसके बाद 1527 में, जिसमें कि ये राणा सांगा के साथ लड़ता है, उसकी कहानी खत्म। ठीक है, फिर इसके बाद लड़ता है बैटल ऑफ घाघरा 1528 में, फिर बैटल ऑफ चंदेरी भी लड़ता है कब, 1529 में। तो ये चार महत्वपूर्ण युद्ध लड़ता है और चारों युद्ध में इसकी विजय होती है, याद रखिएगा इस चीज को। अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच फेस्टिवल इज ऑल्सो नॉन एज महाकुंभ ऑफ द ईस्ट, यानी कि इसमें से किस फेस्टिवल को ईस्ट का महाकुंभ भी कहा जाता है, ये आपको बताना है। फटाफट जवाब दीजिएगा सभी लोग। बाबर के तीन तोपची कौन थे? एक तो थे मुस्तफा, है ना, एक थे उस्ताद अली, है ना, ये दो नाम तो मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, उस्ताद अली और मुस्तफा, आई थिंक दो नाम थे, है ना। चलिए इसका आप लोग जवाब दें, क्या सही उत्तर होगा? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पर होता है? इट इज इन नागालैंड, है ना। अंबुबासी मेला जो होता है ये कहाँ पर? असम में कामाख्या टेम्पल जो है वहां पर होता है अंबुबासी मेला, और ये अंबुबासी मेला जो है दोस्तों इसे ही क्या कहा जाता है, महाकुंभ ऑफ द ईस्ट कहते हैं। बिहू फेस्टिवल ये भी दोस्तों कहाँ पर होता है? इट इज ऑल्सो इन असम। और दोस्तों महाकुंभ की बात याद रखिएगा, महाकुंभ कितने स्थानों पर लगता है? एक तो दोस्तों लगता है कहाँ पर, प्रयागराज में, है ना, दूसरा कहाँ पर लगता है, हरिद्वार में, तीसरा कहाँ पर लगता है, उज्जैन में, और चौथा दोस्तों कहाँ पर लगता है, नागपुर। यही चार शहर है ना जहाँ पर ये आपका महाकुंभ लगता है, प्रयागराज और हरिद्वार दोनों गंगा नदी के तट पर है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है, और नागपुर ये दोस्तों किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि किस जगह पर आपका महाकुंभ लगता है, किस जगह पर महाकुंभ नहीं लगता है, इस चीज को भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों इसके बाद अगले सवाल की। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी दैट वॉज फॉर्मड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी इन 1947। कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी के चेयरमैन कौन थे जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1947 में बनाई थी। पहला ऑप्शन है आपके पास पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है दादा भाई नौरोजी जी, और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया बजरंग बली जी, है ना। इस सवाल की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, सॉरी यस नासिक, अरे गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा ठीक कर लो यार, नासिक होगा ये, बिल्कुल ये नासिक जो है इट इज ऑन गोदावरी रिवर, मैं गड़बड़ कर दिया था यहाँ पर, इसको सही कर लीजिए। नागपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नाग रिवर, ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पर नागपुर हो गया था, इसे नासिक, ठीक है, सही कर लीजिएगा उसको, और नागपुर जो है नाग रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगले मुद्दे पर चलते हैं, अगला मुद्दा, अगला सवाल। तो ये जो दोस्तों सवाल है, इस सवाल का सही उत्तर है, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना करी थी, ये इन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने दोस्तों पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब भी लिखी दादा भाई नौरोजी ने, कांग्रेस के पहले
पारसी प्रेसिडेंट भी दादा भाई नौरोजी थे, जबकि कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी थे, जबकि कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने करी थी। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने कांग्रेस के दो सेशन की अध्यक्षता करी, एक हरिपुरा अधिवेशन की और एक त्रिपुरी अधिवेशन की, हरिपुरा 1938 में और त्रिपुरी 1939 में। इस चीज को भी आपने याद रखना है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को आप लोगों ने क्या करना है पता है आपको? सेशन को आप लोग दोस्तों लाइक कर देंगे, सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मिलेंगे हम लोग रात में 9 बजे हेलो टीचर्स पर। आज आपकी अनअकैडमी पर कोई क्लास नहीं होगी, अनअकैडमी के ऐप पर। कल दोस्तों फिर से सुबह 9 बजे हम लोग साइंस के सवालों के साथ मिलेंगे, ठीक है, बेहतरीन प्रश्नों के साथ। और दोस्तों ये कोड याद रखिएगा, इस कोड को लगाकर आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे एसएससी इनग्रेव, है ना, जहां पर आपको इस चैनल के वीडियोस के लिंक आपको मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं फिर से हम लोग शाम रात में 9 बजे। तब तक लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।